जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। साथियों, प्रतिदिन की तरह जो आज की सीसीएस यूनिवर्सिटी की न्यूज है वो मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। और यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए साथियों, बिना किसी देर के करते हैं आज की वीडियो को शुरू। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहूंगा कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि सीसीएस यूनिवर्सिटी जुड़ी कोई भी अपडेट होती है सबसे पहले मैं आप तक पहुंचाता हूं इस चैनल के माध्यम से। तो साथियों, बात करते हैं आज की अपडेट की। तो सबसे बड़ी अपडेट ये है, जो आपके 29 और 30 जुलाई को एग्जाम थे अब वो आपके आगे बढ़ा दिए गए हैं, क्योंकि 30 जुलाई को हमारा यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम है तो उनकी डेट चेंज कर दी गई है। अब जो आपके वो एग्जाम होंगे 9 और 10 अगस्त को होने वाले हैं। आपका वही टाइमिंग रहने वाला है, वही आपका सेंटर रहेगा, सिर्फ डेट चेंज हुई है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये इसलिए चेंज हुई है क्योंकि जिन बच्चों ने अपना यूपी बीएड का एंट्रेंस एग्जाम भरा हुआ है उन्हीं बच्चों का आपका वे एग्जाम भी थे, चाहे वो आपका प्रोफेशनल कोर्स है चाहे वो आपका ट्रेडिशनल कोर्स है, तो उसके जो आपके चाहे वो आपका कोई भी कोर्स है तो उसके आपके यदि 29 और 30 तारीख को कोई भी पेपर था आपका सीसीएस यूनिवर्सिटी का तो उनकी डेट मैंने आपको बता दी है। जो 29 तारीख वाला पेपर है वो आपका 9 अगस्त को होगा और जो आपका 30 जुलाई वाला पेपर है वो आपका 10 अगस्त को होने वाला है। तो बिल्कुल क्लियर है। आगे बात करते हैं जो हमारे एलएलबी यानी कि लॉ के जो एग्जाम होने हैं, चाहे वो आपका एलएलबी है चाहे वो आपका बीएलएलबी है या फिर एलएलएम है, तो उसके लिए जो आपका एग्जाम होगा ऑनलाइन वाला, ऑनलाइन एग्जाम वही दे पाएंगे जिनको अपनी टाइपिंग आती है, यानी कि या तो हिंदी में या फिर इंग्लिश में। यदि आपको टाइपिंग नहीं आती है कंप्यूटर पर तो आप ऑनलाइन एग्जाम नहीं दे सकते हैं। अब उसके लिए किस तरीके से आप एग्जाम देंगे, किस तरीके से आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे, फिर बाकी जो बच्चे हैं जिनको टाइपिंग नहीं आती है जिन्होंने ऑनलाइन सेलेक्ट किया था उनका क्या होगा, तो इस सब पर आज मैं वीडियो आपको क्लियर बनाने वाला हूं, क्योंकि अब सब सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। तो यदि आप भी जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अब आगे बात करते हैं, आगे जो हमारा आज एलएलएम एमएड और बीपीएड और एमपीएड, इनमें यदि आप भी एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आज रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है, यानी कि आज जो है इसके लिए यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं यूनिवर्सिटी में या यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए जितने भी कॉलेजेस हैं उनमें, तो उसके लिए आज लास्ट डेट है, आज आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इससे जुड़े हुए जो भी चीजें मैं आपको अपडेट देता हूँ, ये जितने भी आपके नोटिस होते हैं या जो भी न्यूज़पेपर की कटिंग होती है वो सब अपने फेसबुक पेज पर मैं अपडेट करता हूँ। तो यदि आपने फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया हुआ है तो आप फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो साथियों, आज की जो अपडेट थी मैंने आपको बता दी है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।